हेलो नमस्कार दोस्तों, 21 जून 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम जो द हिंदू के इंपोर्टेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करने वाले हैं, एक बार उनका हम यहाँ पे ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर आगे हम डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो आर्टिकल दिया गया है, इस आर्टिकल में एक्चुअली आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसके बारे में बताया गया है, तो इसको हम जैसे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आर्टिकल है, आपको पता चल करंट हमने डिस्कस किया था प्रीलिम्स वाले वीडियो में कि जो वहाँ पे बीजेपी और जो पीडीपी की गवर्नमेंट है उनके बीच में इश्यूज वगैरह आ गए हैं, तो जिसकी उससे वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी है वो लग गई है। तो पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड आर्टिकल है, इसे हम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो आर्टिकल है इसमें लेटरल एंट्री के बारे में बताया गया, तो इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये जो आर्टिकल है ये एक्चुअली पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, हमारे कुछ काम का नहीं है, तो इसे भी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो आर्टिकल है काफी अच्छा आर्टिकल है, जीरो बजट फार्मिंग के बारे में डिस्कस किया गया है जिसे हम डिस्कस करेंगे। काफी अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे पोल्यूशन के बारे में दिया गया इस आर्टिकल में। इस आर्टिकल में बताया गया कि किस तरीके से प्लास्टिक पोल्यूशन है वो हमारी हेल्थ के साथ जो बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्युमुलेशन की वजह से जो मरीन रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है वो डाल रहा है। तो इसके बारे में जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, वही सारे पॉइंट घुमा घुमा के आ रहे हैं कि भाई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो रूल है गवर्नमेंट को उसमें चेंजेस करने चाहिए, सभी लोगों को अवेयर होना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ कुछ कनाडा का मॉडल है उसको अडॉप्ट वगैरह करना चाहिए, वो सारी बातें यहाँ पे हैं। तो कुछ काम का तो है नहीं अभी, तो इसे हम यहाँ पे डिस्कस है वो नहीं करें। तो अब देखते हैं जब डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ चलते हैं और इंडियन इकोनॉमी को देखते हैं। देखो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड के साथ डिस्कस करेंगे ताकि हमें चीजें अच्छे से समझ में आ जाए कि सीन क्या है और अभी क्या चल रहा है। देखो थोड़ा बैकग्राउंड कुछ यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी से बात करते हैं। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो क्या काम क्या करती है? देखो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन काम ही होता है कि भाई आपको मार्केट में जो प्राइस है ना उसको स्टेबल करके रखना है, मतलब महंगाई है आपको उसको कंट्रोल में रखना है। सेंट्रल गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी को टारगेट देती है कि आपकी जो महंगाई है ना वो, जैसे अभी टारगेट ही दिया गया है कि महंगाई आपको 2% से 6% के बीच में रखनी है, मतलब महंगाई ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, प्राइस वो ऑलमोस्ट स्टेबल सी रहनी चाहिए। देखो किसी भी कंट्री की अगर इकोनॉमी अच्छी ग्रोथ करनी चाहिए उसके लिए अहम बात ये होती है कि वहाँ पे प्राइस है वो स्टेबल होनी चाहिए, ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ की आज प्राइस 10 रुपये है, कल उसकी प्राइस 100 होगी, परसों फिर वापस 50 होगी, मतलब प्राइस है वो स्टेबल सी होनी चाहिए। आज 10 है कल 11 होगी कोई बात नहीं, इतना थोड़ा बहुत माइनर इश्यूज है वो चलता है, बट अगर प्राइस में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी की जो वैल्यू है, इकोनॉमी की जो कमजोर है उसको आगे शो करता है। तो इसलिए प्राइस स्टेबिलिटी का टारगेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है कि भाई आपको जो महंगाई है वो 2% से लेकर 6% के बीच में रखनी है, ना तो 2% से कम नहीं होनी चाहिए महंगाई और 6% से ज्यादा है वो नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में देखो होता क्या है, अब गवर्नमेंट जो आरबीआई है सॉरी वो किस तरीके से काम करती है। अब आपको पता है कि आरबीआई के पास एक मेन टूल होता है, वो होता है रेपो रेट। अब रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट वो रेट होती है जिस रैंक पे जो नॉर्मल बैंक होते हैं ना वो आरबीआई से लोन लेते हैं कि हाँ भाई आरबीआई के पास जाते हैं कि हाँ हमें इतना लोन चाहिए, तो वो दिया जाता है रेपो रेट के आधार पे। तो सारे जो काम होते हैं ना वो रेपो रेट के आधार पे ही होते हैं। मार्केट में महंगाई वगैरह होती है तो क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं उससे हम थोड़ा यहाँ पे देखते हैं। आइडियल कंडीशन जो होती है नॉर्मली, देखो अगर मार्केट में महंगाई बढ़ गई है तो इसका मतलब क्या हुआ, लोगों के पास पैसा खूब है इसलिए लोग खरीदने वाले ज़्यादा हो गए हैं और चीज़ें कम है इसलिए महंगाई है वो बढ़ रही, चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं ऑब्वियसली, ये तो कॉन्सेप्ट होता है ना। महंगाई बढ़ने में क्या करती है गवर्नमेंट, जो आरबीआई होती है वो आरबीआई क्या करती है रेपो रेट को बढ़ा देती है। रेपो रेट को बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि जो बैंक है वो आरबीआई से लोन लेंगे वो महंगा मिलेगा, क्योंकि रेपो रेट वही तो होती है ना जिससे आरबीआई है वो बैंकों को लोन देता है। तो अब बैंकों को लोन महंगा मिल रहा है तो बैंक क्या करेंगे, आरबीआई से लोन कम लेंगे, तो ऑब्वियसली बैंकों के पास पैसा कम रहेगा। अगर आप देखिए बैंकों के पास पैसा कम रहेगा और उनको महंगे में लोन मिल रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो जो कस्टमर है उसको भी लोन महंगा देंगे क्योंकि ऑब्वियसली उनको खुद को भी लोन महंगा मिल रहा है, उनके पास पैसा ऑलरेडी कम है। तो आपको पता है कि पैसा कम होगा और डिमांड उसकी बढ़ने लग जाएगी, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि कहीं ना कहीं एक तरीके से जो पैसा वो अपने आप लोन में महंगा मिलेगा। तो उसकी कंडीशन में होगा क्या, मार्केट से जो लोन लेने वाले लोग हैं ना मार्केट में पैसा अपने आप कम हो जाएगा। अब पैसा अगर कम हो रहा है मार्केट से तो वही बात गवर्नमेंट चाहती थी कि भाई मार्केट से पैसा कम हो जाए ताकि महंगाई कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि मैंने बताया ना कि अगर पैसा मार्केट से कम होगा तो इसका मतलब क्या होगा, खरीदने वाले लोग कम हो जाएंगे, खरीदने वाले कम होंगे तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट है वो अपने आप सेटलमेंट जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आरबीआई लेके चलती है कि भाई मार्केट से पैसा उसको निकाल लेंगे ताकि मामला सेटलमेंट हो जाता है। बट अब होता क्या है, ये एक आइडियल कंडीशन है। अब हो सकता है कि जैसे आरबीआई ने तो रेट बढ़ा दी रेपो रेट कि हाँ भाई ठीक है हमने महंगा कर दिया लोन, बट हो सकता है कि बैंक रेट ना बढ़ाए, बैंक है ना उतनी रेट रखे, तो ऑब्वियसली बैंक अगर उतनी रेट रखेगा तो जो मॉनेटरी पॉलिसी वो ढंग से काम नहीं कर पाएगी ना। क्योंकि देखो ये कंडीशन तो कब होगी, जब ये आइडियल कंडीशन जो हमने डिस्कस की है कि रेपो रेट बढ़ेगी तो जो मार्केट में लोन है वो भी महंगा हो जाएगा, तो लोन कम लोग लेंगे तो ऑब्वियसली मार्केट में पैसा कम रहेगा जिसकी वजह से जो महंगाई है वो कंट्रोल में आ जाएगी। ये तो एक आइडियल कंडीशन हुई, बट हो सकता है कि ऐसा नहीं हो, उस कंडीशन में क्या होती है, उस कंडीशन में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी ढंग से काम नहीं कर पाती है। तो ये तो थोड़ा बैकग्राउंड। अब एक चीज और देखते हैं। अब देखो जो बैंक होते हैं वो कस्टमर को लोन देते हैं, वो
तीन तरह के होते हैं। स्टार्टिंग में इसको एक जाती थी, वो आती थी बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, जिसको बोलते हैं, आपको ध्यान रखिए 2010 से पहले यूज होती थी, तो अभी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई भी कस्टमर है, अगर वो बैंक से लोन लेने जा रहा है, तो वो स्टार्टिंग में देता था बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। इसके बाद में 2010 से 2016 के बीच में एक नया कॉन्सेप्ट आया, जिसको बोलते हैं बेस रेट। बेस रेट वो रेट होती थी नॉर्मली, कि भाई बैंक ये कहते थे कि देखो इतना तो हमारा खर्चा वर्चा हो जाता है लोन वोन को मैनेज वैनेज करने में, 2% हमारे स्टाफ का खर्चा होता है, इनकी सैलरी वगैरह यूज करते हैं ये, तो मतलब 8% से कम हम किसी को भी लोन नहीं दे सकते। तो मतलब मिनिमम जो रेट बैंक डिसाइड करते थे खुद, कि हाँ भाई हमारे खर्चे वगैरह ऐसे हैं, इसके अकॉर्डिंग हम इससे कम लोन नहीं देंगे, तो वो तो होती थी बेस रेट। ये कॉन्सेप्ट यूज होता था 2016 तक। बट आपने देखा कि ये बेस रेट थी, इस कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं मतलब कहीं भी रेपो रेट का कोई उल्लेख ही नहीं है। मतलब रेपो, अगर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की रेपो रेट को बढ़ाता है या घटाता है, तो बेस रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा उनका डायरेक्टली। अगर डायरेक्टली इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो ऑब्वियसली बैंक के इसको इफेक्ट नहीं करेंगे। इसलिए आरबीआई ने क्या कहा, 2016 में नया कॉन्सेप्ट लेके आई आरबीआई, वो थे एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ट लैंडिंग रेट। ये आरबीआई का एक नया कॉन्सेप्ट था एमसीएलआर रेट। एमसीएलआर रेट है, इसमें क्या सीन था, इसमें डायरेक्टली ये सीन किया गया कि अगर भाई रेपो रेट बढ़ रही है ना, तो एमसीएलआर अपने आप बढ़ जाएगा। मतलब क्या होगा, अगर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाई, इसका मतलब बैंक है, कस्टमर को लोन है, वो भी अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि इससे कनेक्ट कर दिया उन्होंने एमसीएलआर में, तो इससे फायदा ही हो जाएगा। अब आरबीआई अगर मॉनेटरी पॉलिसी में अगर अप डाउन कुछ भी कर रही है, मतलब अगर लोन सस्ता रेपो रेट कम कर रही है, तो मार्केट का लोन अपने आप सस्ता हो जाएगा। अगर रेट बढ़ा रही है, तो अपने आप है वो बढ़ जाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं जो बैंक जो अपनी मनमानी करते थे ना, वो नहीं होगा। तो इसका बेनिफिट क्या हो जाएगा, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी ना, वो ढंग से काम कर पाएगी। और इसीलिए आरबीआई ने एमसीएलआर है उसे लॉन्च किया था। तो एमसीआर के जो चार पैरामीटर हैं कि किस किस आधार पर एमसीएलआर काम करते हैं, वो भी एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि एमसीएलआर है वो होती क्या है, एमसीएलआर वो होती है जिस रेट पे बैंक हैं वो कस्टमर को लोन देते हैं, वो उस रेट को बोलते हैं एमसीएलआर रेट। अब इसमें चार फैक्टरी इंक्लूड किया गए हैं। एक तो इसमें इंक्लूड किया गया कि रेपो रेट, कि अगर रेपो रेट बढ़ रही है तो एमसीएलआर ऑब्वियसली बढ़ेगा, रेपो रेट घट रही है तो एमसीएलआर घटेगा। और जो 92% जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना एमसीएलआर के अंदर रेपो रेट का, वो रखा गया। मतलब अगर रेपो रेट है वो ज़्यादा बढ़ रही है, तो एमसीएलआर डायरेक्टली बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि इधर उधर आप गुंजाइश कर सकते हो, क्योंकि 92% जो एमसीएलआर की रेट है वो तो ऑब्वियसली रेपो रेट पे डिपेंड कर रही है। जैसे कि रेपो रेट अगर आरबीआई ने बढ़ा दी, आज 6 है, अगर गवर्नमेंट ने इसको कल सॉरी आरबीआई ने कल से 6.5 कर दिया, तो अपने आप एमसीआर वो बढ़ जाएगा, क्योंकि रेपो रेट से डायरेक्टली इसको कनेक्ट है, वो कर रखा है। फिर और जिसमें तीन पैरामीटर ये हैं, एक तो है ऑपरेशनल कॉस्ट, कि भाई बैंक वो कहेंगे देखो हमारा बेसिक जो ऑपरेशन कॉस्ट है, मतलब हम जो बैंक वगैरह चला रहे हैं इसका बेसिक खर्चा ही होता है, तो ये इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद में आता है कॉस्ट ऑफ कैरी द केस रिजर्व, मतलब सीआरआर जो होता है ना, जो कि बैंकों के पास पड़ा रहता है, इसकी बात की जाती है कि भाई ये तो हमारे पास पैसा पड़ा है, इसका तो हम लोन दे नहीं पा रहे हैं, तो इसको भी कहने के हमें कुछ तो पैसा मिलना चाहिए ना, तो वो भी हम इसी में ऐड कर देंगे। इसके बाद में एक होता है टेन्योर प्रीमियम। टेन्योर प्रीमियम ये होता है कि देखो आपको पता है कि बैंक होते हैं ना, वो कोई कुछ जैसे फर्म होते हैं बड़े बड़े, जिनको बहुत लंबे टाइम के लिए लोन देते हैं वो। अब आपको पता है कि अगर कोई लंबा लोन दिया जा रहा है, तो उसमें रिस्क ज़्यादा होगा, तो मतलब उन्हें ज़्यादा प्रीमियम लेना पड़ेगा। मतलब जिस कंपनी को या जिस भी इंस्टीट्यूट को या किसी को भी लोन दे रहे हैं वो लंबा लोन, तो उससे क्या करें, वो प्रीमियम ज़्यादा वसूलें कि भैया देखो आपको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क ज़्यादा है, हम ऐसा लोन नहीं दे सकते। तो अगर प्रीमियम ज़्यादा दिया जा रहा है, तो वो भी टेन्योर प्रीमियम इसमें ऐड हो गया। तो जो एमसीएलआर है वो चार फैक्टरों से मिलकर बना हुआ है, एक तो रेपो रेट, ऑपरेशनल कॉस्ट, इसके साथ ही सीआरआर, इसके साथ ही टेन्योर प्रीमियम। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ये चार पैरामीटर हैं, इसके आधार पर जबकि 90% जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना एमसीएलआर में, वो रेपो रेट का, बस आप ये ध्यान रखना। अगर रेपो रेट में ज़्यादा उधर उधर चेंजेस आ रहे हैं, तो डायरेक्टली एमसीएलआर चेंज होगी श्योर। आपको पता है कि ऑपरेशनल रेट वगैरह है, इसमें तो 2-2% है, तो अगर इनमें कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। जबकि रेपो रेट अगर चेंज हो रही है, तो डायरेक्टली चेंज पड़ेगा। और मॉनेटरी पॉलिसी यही तो चाहती है आरबीआई की, कि भाई अगर हम रेपो रेट चेंज करें, तो मार्केट का लोन है वो भी कहीं ना कहीं सिस्टम वो ढंग से काम करे। अब देखो बैंक वो एमसीआर को यूज़ क्यों नहीं करना चाहते, इसके काफ़ी रीजंस हैं कि व्हाई नॉट जो बैंक है वो एमसीआर को यूज़ करें। इसका रीज़न एक तो ये दिया गया है कि देखो एक तो प्रॉफिट की बात ही है, क्योंकि अभी थोड़ा देखो डाटा बताता हूँ आपको। रिसेंटली जो एमसीआर की रेट है वो है 8.28, ठीक है, 8.28%, जबकि बेस रेट है वो अभी 8.7। तो आप देख सकते हो 8.7% का मतलब क्या हुआ, अगर बैंक किसी कस्टमर को लोन देंगे तो वो देना पड़ेगा उनको 8.7% की रेट पे, बेस रेट के आधार पे। तो मतलब लोन वो महंगा दे रहे हैं, तो लोन महंगा दे रहे हैं तो अभी उनको प्रॉफिट ज़्यादा ही तो हो रहा है ना, सीधी सी बात यही है, क्योंकि रेपो रेट तो अभी फिलहाल कम है, जबकि उन्होंने बेस रेट के आधार पे दे रहे हैं, बेस रेट तो वो खुद डिसाइड करते हैं, तो लोन महंगा दे रहे हैं मतलब उनका प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। तो एक तो प्रॉफिट के चक्कर में नहीं देना चाह रहे, क्योंकि अभी एमसीएलआर वो उनके फेवर में नहीं है। दूसरी बात यह है कि एमसीएलआर में आप ये देख सकते हो, एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे कि एनपीए का बहुत बड़ा इशू चल रहा है आज के टाइम पे। आपको पता है कि चाहे गवर्नमेंट बैंक हो चाहे प्राइवेट हो, सब एनपीए से जूझ रहे हैं। तो वो ये देख रहे हैं कि यार अभी एमसीएलआर है ना वो कम है,
आपको पता है, देखो आपको देखने में थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि यार बेस रेट तो 8.7 है और ये है 8.28, तो थोड़ा बहुत तो फर्क है पॉइंट का ही, 0.50 के आसपास भी नहीं है तो उससे कम है, जबकि ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा फर्क है देखा जाए तो। अगर बैंकिंग टर्म में देखा जाए तो 0.1%, 0.01% भी बहुत बड़ा फर्क है वो लेके चलता है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। तो अगर एनपी की हालत पहले ही खराब हो रखी है बैंकों की, और अगर वो सस्ता लोन दे देंगे मार्केट में, तो होगा क्या, डिफॉल्टर आ जाएंगे वो लोग, पैसा चुकाएंगे नहीं, तो फिर और एनपी की समस्या हो जाएगी। देखो महंगा लोन होगा ना तो वो लोग ही लेंगे जिनको काफी जरूरत है और जो पैसा चुका सकते हैं। अगर लोन ज्यादा सस्ता हो जाता है ना, तो हर कोई लोन ले लेता है कि चलिए यार ठीक है होगा, देखेंगे सस्ता तो मिल ही रहा है, ले लो देखते हैं बाद में जो भी होगा। तो अगर वो ज्यादा सस्ता रेट लोन दे देंगे मार्केट में, तो उनका एनपीए का इशू और ज्यादा बढ़ सकता है, इसलिए इस डर से जो बैंक है वो भी एमसीएलआर को यूज है वो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे राइटर का ये कहना है कि देखो जो एमसीएलआर वगैरह है ना, इसकी वजह से गवर्नमेंट का आरबीआई का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं है, बट हमें फिर भी प्राइस स्टेबिलिटी की तरफ कोई ना कोई सोल्यूशन उठाना चाहिए। और जो जो इसमें कुछ कमियां दिख रही हैं कि जैसे बैंकों को थोड़ा खतरा लग रहा है, उनको प्रॉफिट वाला इश्यू है, इन सबको हमें क्लियर करना चाहिए ताकि बैंकों को भी लॉस ना हो और आरबीआई की जो मॉनिटरी पॉलिसी है वो भी ढंग से काम करती रहे। और आपको पता है कि किसी भी कंट्री के लिए, जैसा मैंने आपको बताया था, प्राइस स्टेबल रहना बहुत जरूरी होता है। अगर उसमें प्राइस में काफी ज्यादा वोटिलिटी होती है ना, इसका मतलब ये होता है कि कंट्री की इकोनॉमी डाउनडाउन हो गई है। तो ये इस आर्टिकल में कंप्लीट पॉइंट बताया गया जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है लेटरल एंट्री इन गवर्नमेंट जॉब। देखो आपको पता है कि अभी लेटरल एंट्री का काफी बड़ा इशू चला था, यूपीएससी के जो एस्पिरेंट है उनको भी इसी चीज का पता है। तो आप लेटरल एंट्री के बारे में आप बेसिक आई होप जानते हो। लेटरल एंट्री वो होती है कि जैसे कोई भी जो बड़ी पोस्ट होती है ना गवर्नमेंट के पास, जैसे कि ज्वाइंट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी वगैरह की जो पोस्ट होती है, इन पे गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि डायरेक्ट लोगों को अपॉइंट किया जाए, मतलब जो इस मामले में प्रतिष्ठित लोग हैं जिनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है उनको डायरेक्टली अपॉइंट हो कर दिया जाए। अब देखो राइटर का कहना है कि लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट है ना वो अच्छा है, ऐसी बात नहीं कि कॉन्सेप्ट में कुछ कमी है, और हो सकता है गवर्नमेंट की इंटेंशन है वो भी सही हो, बट इसका कहीं ना कहीं मिसयूज उठाया जा सकता है। मिसयूज कैसे हो सकता है वो हम देखते हैं। अगर देखो ढंग से काम हो रहा है कि हाँ गवर्नमेंट जो अच्छे लोग हैं उनको अगर जो अच्छे जॉब है उनको अगर सेक्रेटरी वगैरह बना रही है अच्छे लोगों को, तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास काफी अच्छा नॉलेज है, वो काफी अच्छा अपना एक्सपीरियंस है, उसको यूज कर सकते हैं, बढ़िया बात है। बट अगर आप वहीं देखो कि अगर लोग पैसे दे के एंट्री करने लग गए लेटरल एंट्री के थ्रू, तो क्या होगा, क्वालिटी तो कहीं ना कहीं डाउन होगी ना, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इसके नुकसान बहुत बड़े दिख सकते हैं। तो इसलिए लेटरल एंट्री का विरोध किया जा रहा है कि भाई लेटरल एंट्री को अलाउ नहीं करना चाहिए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट हैं वो बात यहाँ पे बिल्कुल डिस्कस है वो की गई है। इसके बाद में देखो एक बात ये की गई है यहाँ पे, अभी कंटेक्स्ट तो आपको थोड़ा बता देता हूँ। अभी कंटेक्स्ट कुछ ऐसा है कि अभी गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट है, एक तरीके से आप बोल सकते पेपर जारी किया है, जिसमें कहा कि भाई ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट है वो खाली है, तो उनको फिलअप करने के लिए उन्होंने इसको विज्ञप्ति को निकाला है। अब राइटर का ऐसा कहना है कि देखो इस बात में कोई कोताही नहीं है कि सिविल सर्वेंट्स का जो सिस्टम है ना आज हमारा ब्यूरोक्रेसी का, वो काफी पुराना हो गया है। मतलब ब्यूरोक्रेसी आपको पता है कि आजादी के टाइम पे जो कॉन्सेप्ट थे उन्हीं को आज घसीटा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आज के टाइम पे रिलेवेंट नहीं है, और इसीलिए लेटरल एंट्री की बात वो की जा रही है। बट राइटर का ऐसा कहना है कि सिविल सर्वेंट्स के जो काम है वो आज भी काफी अलग है और लेटरल एंट्री वाला कॉन्सेप्ट है वो बहुत अलग है। देखो यहाँ पे एक बात ये बढ़ेगी, एक पॉजिटिव पॉइंट आपको बताता हूँ लेटरल एंट्री का। लेटरल एंट्री का पॉजिटिव पॉइंट ये हो जाएगा, हो सकता है किसी आदमी ने या किसी इंसान ने यूपीएससी के एग्जाम क्लियर नहीं किया हो, बट उसके पास काफी अच्छा नॉलेज हो, अगर वो ज्वाइंट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी की पोस्ट पे जाए तो वो जिस भी डिपार्टमेंट या जिस भी मिनिस्ट्री में जाएगा वहाँ पे काफी अच्छा काम कर सकता है, नो डाउट। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई एक्सपर्ट आदमी है वो अगर लेटरल एंट्री के थ्रू जा रहा है तो उसको काफी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया। इसके बाद में बात की जा रही है कि लेटरल एंट्री से क्या होगा, एक ब्यूरोक्रेट है ना उनके बीच में एक तरीके से ट्रस्ट नहीं रहेगा, उनको लगेगा कि यार गवर्नमेंट है उन्होंने कहीं ना कहीं मतलब पैसे वैसे के चक्कर में कर रही है और पैसे की वजह से लोगों को अपॉइंट कर रही है, तो वो डिमोटिवेट हो जाएंगे और जो ब्यूरोक्रेट है वो ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। तो सिविल सर्वेंट अगर ढंग से काम नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए वो बात है वो ठीक नहीं है। अब यहाँ पे लेटरल एंट्री से एक बात की जाती है, वो बात की जाती है कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का आप एग्जांपल समझते हो यूएसए से। देखो यूएसए में सीन कुछ ऐसे होता है, जैसे वहाँ पे ट्रंप की गवर्नमेंट है ना, तो ट्रंप ने अपने चहेतों को गवर्नमेंट में ऑफिशियली अपॉइंट कर दिया, वहाँ पे लीगल है ऑफिशियली लीगल इस चीज़ ये वैलिड है कि ट्रंप जैसे जो भी पार्टी वहाँ पे सत्ता में आती है तो अपने चहेतों को सत्ता में ले आती है, और जब ट्रंप वहाँ से जाएंगे तो वो भी उनके साथ निकल जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट होता है वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी में भी कि ट्रंप ने जैसे अपने जो जानकार है अपने जो भी क्लोज है जैसे भी मान लो कि उनको अच्छे लगते हैं उनको उन्होंने अपॉइंट कर दिया, बट जो ही ट्रंप का कार्यकाल खत्म होगा तो वो भी ट्रंप के साथ चले जाएंगे, फिर नए जो प्रेसिडेंट बनेंगे वो अपने अकॉर्डिंग उसी तरीके से काम है वहां पे करेंगे। जबकि आपको पता है कि इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में आपको पता है कि ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो जनता के प्रति अकाउंटेबल नहीं होते हैं, वो होते हैं लॉ एंड ऑर्डर मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति अकाउंटेबल होते हैं, जो लॉ बना दिया गया है वो उसके प्रति अकाउंटेबल होते हैं। लॉ में लिखा गया है कि भाई हाँ 10 साल से छोटा बच्चा है वो पागल होता है, तो वो उसी चीज को मानेंगे कि हाँ भाई ऐसा है, मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर है वो उसी चीज को फॉलो करके चलते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बनाने का काम उनका नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, मतलब वो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ही है।
एक देखो आप तो ब्यूरोक्रेट होते हैं वो न्यूट्रल होने चाहिए, अगर वो किसी पार्टी के प्रति सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली उस पार्टी के काम हितों को वो ज़्यादा सर्व करेंगे, तो अगर किसी पार्टी के हितों को सर्व करेंगे तो ऑब्वियसली वो न्यूट्रल होकर काम नहीं कर पाएंगे, तो मतलब वो उस पार्टी के हितों की तरफ ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो नुकसान हो सकता है। अब आपको पता है कि लेटरल एंट्री में अगर किसी को अपॉइंट किया जाएगा तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं गलत हो। देखो अभी आप रिसेंटली बीजेपी की गवर्नमेंट है, अगर ये लेटरल एंट्री के थ्रू किसी को अपॉइंट कर रहे हैं तो हो सकता है कि बीजेपी जो अपने पक्ष वाले या जो उनके फेवर वाले जो इंसान हो उसको अपॉइंट करेगी, तो अगर बीजेपी अपने फेवर वाले इंसान को अपॉइंट करेगी तो कहीं ना कहीं देखो अगली बार कांग्रेस आएगी तो वो भी अपने फेवर वाले को अपॉइंट करेगी, तो इससे होगा क्या, जो ब्यूरोक्रेसी का जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है वो तो खत्म ही हो जाएगा, ब्यूरोक्रेट न्यूट्रल कहाँ रहेंगे, ब्यूरोक्रेट का जो न्यूट्रलिटी की जो बात है वो तो खत्म ही हो जाएगी, ब्यूरोक्रेट भी किसी पार्टी के प्रति बायस्ड हो जाएंगे और फिर वो उसी पार्टी के लिए काम करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमारे देश का जो ब्यूरोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है ना उसके लिए गलत है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे जो हालात हैं वो बढ़ जाएंगे, तो ये बात यहाँ पे बताई गई है। इसके बाद में थोड़ा देखो राइटर ये कह रहे हैं कि देखो अभी गवर्नमेंट ने जो जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट खाली होने की बात की है ना वहाँ पे तो ऑलरेडी काफी अच्छा एक्सपीरियंस पड़ा है, तो फिर गवर्नमेंट क्यों फालतू में लेटरल एंट्री को यहाँ पे घुसाड़ रही है। देखो एक एग्जाम्पल ये दिया गया कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी की जरूरत है, तो राइटर का ये कहना है कि देखो ऑलरेडी स्वामीनाथन सर हैं, उनकी काफ़ी अच्छी रिपोर्ट आई पड़ी है, उनका काफ़ी अच्छी कमेटी के सुझाव वगैरह दिए हुए हैं किसानों के लिए, गवर्नमेंट वो तो इंप्लीमेंट कर नहीं रही है, फालतू के नए कामों की तरफ फोकस कर रही है, तो पहले जो स्वामीनाथन साहब की जो रिपोर्ट है उसमें जो बताया गया है किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं वो आज के टाइम पर रिलेवेंट है, तो गवर्नमेंट उनको अप्लाई क्यों नहीं करती। इसके अलावा आपको पता है गवर्नमेंट के पास और भी बहुत सारी बॉडीज हैं जैसे कि नीति आयोग हुआ, इसके साथ स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी गवर्नमेंट है वो काम करती है, तो क्यों फालतू में ज्वाइंट सेक्रेटरी वगैरह की पोस्ट इस तरीके से लेटरल एंट्री के थ्रू गवर्नमेंट वो बढ़ा रही है, क्योंकि अगर काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट हो तब तो गवर्नमेंट ऐसा कुछ डिसीजन ले तो चलो फिर भी ठीक है, बट अभी इस चीज की जरूरत ही नहीं है, जब काम निकल रहा है आराम से चल रहा है तो क्यों गवर्नमेंट के ऊपर फालतू का खर्चा है वो बढ़ाया जाए, ये बात यहाँ पे की जा रही है। इसके बाद में देखो राइटर ये कह रहे हैं काफी अच्छा पॉइंट है लास्ट में कि आज के टाइम के अकॉर्डिंग जो सिविल सर्वेंट है ना वो परफेक्ट नहीं है, नो डाउट ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सिविल सर्वेंट की जो एफिशिएंसी है ना वो कम हो गई है आज के टाइम पे, क्यों कम हो गई है क्योंकि आज के टाइम पे जो उनका सिस्टम है वो काफी पुराना चल रहा है, जो रूल रेगुलेशन है वही 1950 के दशक के चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुराने तो हो ही गए ना, बट एक अहम बात बहुत आती है वो आती है कि सिविल सर्वेंट्स आज भी अकाउंटेबल होते हैं लॉ एंड ऑर्डर, मतलब संविधान के प्रति आप बोल सकते हो कि उनकी अकाउंटेबिलिटी आज भी कम नहीं है, अकाउंटेबल वो बिल्कुल होते हैं, वो सारे काम लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग करते हैं, तो आप यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी का पॉइंट आता है तो काफ़ी अच्छी बात है, और आज के टाइम पे देखा जाए तो एफिशिएंसी के साथ अकाउंटेबल होना बहुत जरूरी है। अब आप देखो लेटरल एंट्री के थ्रू अगर कोई भी इंसान को अपॉइंट किया जा रहा है तो उसमें ऑब्वियसली हो सकता है कि एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो बट अकाउंटेबल होना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अकाउंटेबल वो या तो जिस पार्टी ने उसको अपॉइंट किया उसके प्रति अकाउंटेबल होगा या फिर उसको उसके पर्सनल इंटरेस्ट है उसको वो सर्व करेगा, जबकि एफिशिएंसी थोड़ी काम की है वहाँ पे, मतलब दोनों चीज़ें बैलेंस अप्रोच है वो लेके चलनी थी, ये यहाँ पे बातें वो राइटर के द्वारा बताई जा रही है। इसके बाद में राइटर है वो तीन पॉइंट ये बता रहे हैं कि देखो जो मीडिया है आप बोल सकते हो या जुडिशियरी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, नो डाउट अगर जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होगी तो क्या होगा, कहीं भी कोई भी करप्शन या कोई भी अकाउंटेबल नहीं है तो उसको एक तरह सामने वो लाया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में बात है कि ब्यूरोक्रेसी का न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर ब्यूरोक्रेट न्यूट्रल नहीं होंगे तो वो जिस भी पार्टी के द्वारा जिसने भी उनको अपॉइंट किया है वो उसका साथ देंगे, तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से बायस्ड हो जाएंगे। इसके बाद में बात यह आती है कि जनता के प्रति पॉलिटिशियन अकाउंटेबल होते हैं, अगर ब्यूरोक्रेट अकाउंटेबल बनने लग गए तो फिर मनमर्जी होने लग जाएगी जो कि कहीं ना कहीं तानाशाही के रूप में आ सकती है, इसलिए ब्यूरोक्रेट हैं वो एफिशिएंसी के बेसिस पे काम नहीं करना चाहिए। अभी देखो गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेट्स को अगर चाहे तो सब कुछ पावर दे सकती है, पर आपको पता है कि जब तक अच्छा चल रहा है तब तक अच्छा चल रहा है, बट हो सकता है कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट भी सामने आ जाए, हो सकता है कि ब्यूरोक्रेट एक तरीके से अपनी पावर का मिसयूज करने लग जाए और वो एक तरीके से डिक्टेटर बन जाए, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान है ना, इसलिए अकाउंट ब्यूरोक्रेट का अकाउंटेबल होना जरूरी है ना कि एफिशिएंट। एफिशिएंसी से क्या है कि एक तरीके से तानाशाही बढ़ सकती है, अकाउंटेबल से क्या है कि वो अपने जो काम है जो उनका ड्यूटी है वो उसके प्रति वो अकाउंटेबल रहेंगे, तो ये यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, काफी अच्छे पॉइंट हैं यहाँ पे, आप इनका यूज हो डायरेक्टली कर सकते हो। इसके बाद में लास्ट जो आर्टिकल हमारा आता है वो आता है जीरो बजट फार्मिंग नेचुरल फार्मिंग के बारे में, तो इसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखो बात है कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है क्या, थोड़ा नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जीरो बजट मतलब जब भी कोई भी फसल वगैरह बोनी है उसमें जो कॉस्ट प्राइस है उसको जीरो करना, अब वो ऐसा तो पॉसिबल कैसे हो पाएगा कि जीरो की जा सकती है, जी हाँ ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, कॉस्ट को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। आपको पता है कि अगर कॉस्ट है जैसे पहले कोई किसान है वो अपनी फसल बोने के लिए और उसको 50,000 रुपये खर्चा हो रहा है, वहीं पे अगर उसका खर्चा 500-600 रुपये में निपट जाए तो वो जीरो बजट ही होगा ना एक तरीके से, मतलब उसका बहुत कम कॉस्ट लगेगी ना के बराबर, तो इसलिए।
ये देखो जो आइडिया है ना काफी अच्छा है और इसमें काफी अच्छे कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। इस आइडिया का सीधा मतलब ये है कि किसान है ना वो बाहर से कुछ नहीं खरीदेंगे, जो उनके पास है ना उसी चीज का वो ढंग से यूटिलाइजेशन है काम है उस पर फोकस करेंगे। मतलब आउटसाइड की चीजें, आउटसाइड के बीज वगैरह, आउटसाइड के जो पेस्टिसाइड है उर्वरक वगैरह है उनका यूज कुछ भी नहीं करेंगे, जो उनके पास अवेलेबल है उन्हीं का यूज करेंगे। तो बेसिकली इसमें चार पैरामीटर रहते हैं वो हम यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहली बात क्या होती है नेचुरल फार्मिंग में, एक तो ये होती है सॉरी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में, एक तो ये होता है कि जो बीज होते हैं ना वो किसान अपने खेतों से यूज करते हैं। मतलब अपने खेतों के जो बीज होते हैं ना उनको या तो नीम कोटेड या फिर जो काऊ डंग गाय का गोबर वगैरह होता है, गाय का जो मूत्र होता है यूरिन वगैरह उसमें लेपित करके रखते हैं ताकि उनको जीवाणुओं वगैरह का संक्रमण ना हो और वो उन्हीं को बो सकें। तो एक तो काम करते हैं पहले वो। इसके बाद में क्या करते हैं वो एक्चुअली आपको पता है कि फार्मर्स क्या करते हैं, जो गाय का गोबर हुआ या फिर जो लोकल वेस्ट हुआ बायो वेस्ट वगैरह इनकी हेल्प से क्या है खाद है वो एक तरीके से उसको तैयार करते हैं। उससे क्या होता है कि काफी अच्छी जो फर्टिलिटी है वो बढ़ती है, तो एक ये बेनिफिट हो गया। तीसरा स्टेप क्या करते हैं फिर वो, फिर जो ऑर्गेनिक जो और भी मैटर्स वगैरह हैं तो उससे क्या करते हैं सोइल की जो मॉइस्चर वगैरह ना उसको प्रमोट करते हैं, तो ये तीसरा स्टेप होता है उनके द्वारा। चौथा स्टेप क्या होता है कि वो जो भी काम कर रहे हैं ना उसको एक तरीके से ढंग से मतलब अच्छे ढंग से जैसे कि और भी ज्यादा फेवरेबल काम करते हैं, जैसे कि जो भी भूमि है जिस भूमि पे वो पेड़ पौधे वगैरह या जो भी फसल बो रहे हैं उसकी परती वगैरह तोड़ के उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई वगैरह हो, उसमें प्रॉपर ह्यूमस वगैरह का मेंटेनेंस वगैरह वो सारे काम किए जाते हैं। तो ये इसके द्वारा कुछ बेसिक स्टेप है वो की जाती है। इसके बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट एक तो ये होती है कि किसानों की जो इनकम डबल करने की बात की जा रही है ना गवर्नमेंट के द्वारा वो उसमें काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद में काफी अच्छा बॉन्ड यहाँ पे ये मिल जाएगा कि गवर्नमेंट के द्वारा सॉरी जो किसानों को काफी जो एक्स्ट्रा बर्डन होता है ना उसको कम किया जा सकता है। अदरवाइज बैंक किसान क्या करते हैं फालतू में बैंकों में जाकर लोन लेते हैं और जो अपनी फसल की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वहां भी कहीं ना कहीं निजात है उनको मिलेगी। तीसरा पॉइंट ये आता है कि सोइल की जो इम्प्रूवमेंट है सोइल की जो क्वालिटी वो इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर खतरनाक यूरिया जैसे पेस्टिसाइड अगर यूज नहीं किए जाएंगे तो ऑब्वियसली सोइल की है कि उसकी क्वालिटी बढ़ेगी धीरे धीरे, तो वो भी काफी अच्छा पॉइंट वो आ जाएगा। इसके साथ ही चौथा पॉइंट ये दिया गया है कि एक तो ह्यूमन वेलफेयर, इसके साथ किसानों की वेलफेयर है वो भी बढ़ेगी और जो किसान है वो अपने आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे और उनकी जो कॉस्ट प्राइस बहुत कम हो जाएगी, तो उनको भी ऑल ओवर बहुत बेनिफिट है वो मिलने वाले हैं। तो ये सारे सिस्टम यहाँ पे चार बेनिफिट मेनली मोटे मोटे यहाँ पे बताए गए। अब बात ऐसी है आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री साहब हैं उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश अब बहुत जल्दी ही जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की तरफ अग्रसर हो रहा है और वो पूरा जो फार्मर्स हैं वहाँ पे उन सबको एक्चुअली इस दिशा में प्रमोट हो किया जा रहा है और गवर्नमेंट उनके लिए काफी सारे इनिशिएटिव वगैरह भी उठा रही है। अब यहाँ पे एक और आती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसका नाम भी आपने सुना होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो भी इसी की तरह होती है, बट ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है कि जो भी किसान चीज यूज करते हैं ना वो ऑर्गेनिक चीज यूज करते हैं। तो आपको पता है कि ऑर्गेनिक चीज तो ऑब्वियसली मार्केट से खरीद देंगे जैसे केंचुआ वगैरह की खाद वगैरह हुई वो सब, तो वो अगर उनको महंगी केंचुए जैसी खाद है तो उनको महंगी मिलती है, तो उससे क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो खेती है ना वो महंगी हो जाती है। सोइल की क्वालिटी तो बढ़ती है नो डाउट, सोइल की क्वालिटी बढ़ रही है बट वो क्या है थोड़ी महंगी पड़ती है, इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह भी गवर्नमेंट है वो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की तरफ फोकस कर रही है ताकि किसानों की लागत है उसको कम किया जा सके। तो ये थे इस आर्टिकल में कंप्लीट पॉइंट जो हमने आप पे डिस्कस किए हैं। फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है, पीडीएफ आपको बता देता हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, या फिर आपको अच्छा ऑप्शन ये है कि वेलकम यूपीएससी का पेज है फेसबुक पे आप वहाँ से डाउनलोड कर लो, क्योंकि अभी वेबसाइट में कुछ थोड़ा इश्यूज वगैरह चल रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।